एक बार फिर कानपुर देहात में बाढ़ का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आकर जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की समस्या से गुजरना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए तहसील भोगनीपुर SDM के आदेश पर तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर बाढ़ पीड़ित गाँव का निरीक्षण करते हुए भोगनीपुर यमुना नदी के पास तलहटी पर बसे गांव डिलोलिया बांगर दौलतपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री बांटी। राहत सामग्री मिलते ही बाढ़ पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के निरीक्षण करते हुए डिलोरिया बांगर गांव में 185 परिवार समेत दौलतपुर गांव के बाढ़ पीड़ित 25 परिवार को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटते समय तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों को सावधानी बरतने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। सर जिस तरीके से कानपुर देहात में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार शासन प्रशासन के हालात का निरीक्षण किया है और राहत सामग्री भेजी गई है, कितने कौन कौन गांवों में कितने कितने परिवारों को राशन दिया गया है? हम लोगों की यहाँ ड्यूटी है तो 25 लोग दौलतपुर में और 185 डिलोलिया में। अच्छा, बाढ़ की स्थिति किस तरीके से है? अब कम हो रही है। अच्छा, ये राशन कब तक बांटा जाएगा? ये राशन बढ़ते रहेगा जब तक बाढ़ रही तब तक बढ़ता रहेगा। ये मोदी जी की मतलब वो है, और मोदी जी जब तक ये बाढ़ रही तब तक मतलब मोदी जी करते रहे। मोदी जी मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और छोटी छोटी दिक्कतों में मोदी जी अपना मतलब सारी काम करते हैं। और देखिए पीछे कैमरा लगाइए आप, देखो जिस तरीके राहत पैकेट जो आए हैं राहत सामग्री के, इसमें क्या क्या है? उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आटा दाल चावल गेहूँ लाई चना और साबुन तेल मोमबत्ती मतलब घरेलू जो सामान होती है खाद सामग्री, उसमें टोटल डला हुआ है। राशन एक परिवार के लिए लगभग पूरा। एक हफ्ते बाद फिर दोबारा आप लोग आएंगे राशन? बिल्कुल आएंगे। नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल निषाद। किस गांव के प्रधान है आप? प्रधान। अच्छा, लगातार बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार शासन द्वारा राहत सामग्री भेजी गई, आपके गांव में कितने परिवारों को राशन दिया गया है? ऐसे हमारे गांव में जो है करीब 25-30 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 25 परिवारों को राशन सामग्री पहुंच गई है। अच्छा, गांव में बाढ़ से किसी तरीके क्या हालात हैं इस वक्त? हमारे यहाँ जो है